अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे साथ दो गेस्ट हैं, बिकॉज आज की डिश जो है वो ईसा की फेवरेट डिश है। तो ईसा, व्हाट्स योर फेवरेट डिश? व्हाट आर वी मेकिंग टुडे? हिंदी। यू डोंट वांट टू मेक कुकीज, यू वांट हिंदी। तो चले आज हम बनाएंगे भिंडी, जो ईसा को जैसी पसंद है। So let's get started. You want to say something? Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं, जैसे मैं ईसा के लिए भिंडी बनाती हूँ, वैसे मैं आपको रेसिपी दूंगी। तो ये भिंडी है, इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है और थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इससे थोड़ा सा होता है कि ये लेस वगैरह इसकी कम हो जाती है, तो कुकिंग करने में काफ़ी आसान रहती है। तो ये 500 ग्राम्स थी। ये वही अनियन है चॉप्ड हुई भी, और ये कड़ी पत्ता है, 3-4 ऑप्शनल है। ये वही टमाटो की प्यूरी है जो मैंने दिखाई थी पिछली क्लिप में। और इसके साथ ये बिल्कुल सिंपल से मसाले हैं, नमक, धनिया, ज़ीरा, टर्मरिक और कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने कम यूज़ किया बिकॉज मैं ईसा के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं और उसको ऐसी ही पसंद है इसलिए मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहले ऑयल यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1/2 कप होगा, नहीं 1/2 कप से भी कम है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कम ऑयल में ही बनाती हूँ, मेरे घर में कम ऑयल खाया जाता है। तो उसके बाद बस इसमें हमने वो अपनी अनियन डाल दी। अनियन को हम फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं चूल्हा खोलना ही भूल गई थी। तो ये पहले हमने ऑयल गरम करना है, फिर उसमें हमने अनियन फ्राई करनी है। अच्छा, अनियन के साथ ही आपने इसमें वो कड़ी पत्ता भी डाल देना है, अगर इफ़ यू आर यूजिंग इट, अदरवाइज मत डालें, मतलब ऑप्शनल है ये। तो अभी देखें, इतनी ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो गई हैं, और मतलब हमें इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। तो इस स्टेज पे मैं अपनी भिंडी डाल देती हूँ, ठीक है। अब इसको अच्छे से फ्राई किया थोड़ी देर, और इसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे। ये आराम से 20-25 मिनट्स में रेडी हो जाती है। तो ये सारे हमने स्पाइसेस इसमें डाल दिए। अब इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स किया, और मेरे ख्याल में 5 मिनट्स वुड बी इनफ। तो इस वक्त आप हीट हाई रखें और बस इसको आराम से मिक्स करते रहें। मिक्सिंग चल रही है। इसके बाद मैंने इसमें हाँ थोड़ा सा घी भी डाला था, बिकॉज ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो आई प्रेफर कि 1 चम्मच घी नहीं, जो भी हांडी बनाती हूँ मैं उसमें डाल देती हूँ इन लोगों के लिए। तो घी से वैसे भी एक तो थोड़ा उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आप भी डाल सकते हैं, चाहे वो आप खुद अपने लिए बना रहे हैं। बस अब हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, और इसके बाद अब हमने इसमें वो जो प्यूरी की थी टोमेटो की, वो डाल देनी है। तो इसको ये देखें, और आपने डाला, अच्छे से मिक्स किया, और इसी के अंदर अब ये पक भी जाएगी, क्योंकि इसका लेस वगैरह काफ़ी हद तक वैसे ही ड्राई हो चुका होता है। कुकिंग में भी, फ्रिज में भी, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये मेरी अम्मी की टिप है और इट हैज़ रियली वर्क्ड। तो बस इसको अब अच्छे से हम करके और फिर ढक के इसको बस कोकोने के लिए रख देंगे, ठीक है। एंड बस दैट इज इट, 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगी। हीट भी आप देख लें। I got this. I need some.
हाँ भाई, कैसे कैसा बनाए, टेस्ट करें जल्दी जल्दी। Yummy. Yummy, yeah? Yusuf, how is it? Yummy. Yummy, you like it? और ये थोड़ी सी पाकिस्तानी ग्रॉसरी थी जो मैंने ऑर्डर की थी। इसमें सबसे पहले तो ये निमकोस की दाल कचौरी थी, ये हमेशा अवेलेबल नहीं होती, सो ये मुझे नज़र आई, ये मैंने फ़ौरन ऑर्डर कर दी। उसके साथ इन्होंने भाजी भी दी है, फिर ये निमको की मिक्स्ड निमको और मसाला पापड़ी। एक मैंने दही बूंदी भी ऑर्डर की थी बट वो आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक थी। फिर ये मैंने कुकीज़ ऑर्डर किए, नान खताई और कोकोनट, ये दीज आर वेरी गुड, आई ऑलरेडी ट्राइड द कोकोनट वंस। और पापे मैंने रस्क जो है किसी और ब्रांड के भी ट्राई किए थे लास्ट टाइम, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने ये वापस ऑर्डर किए। और पत्ती मैं हमेशा से सिर्फ यही वाली यूज़ करती हूँ, एवर सिंस आई केम टू दुबई मैं यही पत्ती लेती हूँ। और लास्ट जो है ये ग्रीन चिलीज, जिसकी हम होपफुली पेरी बाइट्स बनाएंगे।